ले चलते हैं राजधानी लखनऊ, जहां पर अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सरकार क्या कर रही थी? सभी वर्गों को प्राथमिकता पे गरीब मध्यम वर्ग को मिलेगा। मुझे इस बात की चिंता है कि हमारे परिवार की हमसे ज्यादा चिंता भारतीय जनता पार्टी को है। कहीं आप भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित होकर के तो नहीं सवाल पूछ रहे हो? हाँ, ये असली सवाल है। भारतीय जनता पार्टी को याद दिलाने के लिए कि उन्होंने किसानों के ऊपर जीप चढ़ाई, और कई मौकों पर मैंने कहा अंग्रेजों की सरकार में भी ऐसा जुल्म नहीं हुआ होगा जैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। जलियांवाले बाग में सीने पर गोली चलाई अंग्रेजों ने, और यहां पर जो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन खत्म करके अपने घर लौट के जा रहे थे, पीछे से जीप चढ़ाई। उस सरकार से क्या उम्मीद करोगे? इसीलिए हम संकल्प ले रहे हैं, ये अन्य संकल्प ले रहे हैं, जिन्होंने किसानों के साथ ऐसा व्यवहार किया है उनको हटाएंगे और हराएंगे। वो आपने ढंग से उनका संकल्प पत्र नहीं पढ़ा। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि 2022 आते हुए किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। मैं ये जानना चाहता हूं, तारीख बदलने से, साल बदलने से किसानों की आय दोगुनी कैसे हो जाएगी? जो सवाल इधर से पूछा गया था कि जब तक उसको सुविधाएं नहीं दोगे, जैसे बिजली सस्ती दे रहे हैं, किसान को सिंचाई माफ कर रहे हैं, अभी और भी चीजें आएंगी, तब बीजेपी वाले पूछेंगे इतना फंड कहां से आएगा। मैं आपको भाई मानता हूं, जो भी लोग हैं हम छोटे बड़े भाई मानते हैं, जो उम्र वाले हैं उन्हें चाचा मानता हूं, तो अब और क्या कहें हम? अरे मैंने आपसे कहा कि जो राजनीति है, और कल भी मैंने बात कही थी कि समाजवादी पार्टी ने त्याग किया अपनी अपनी गठबंधन के लोगों को सम्मान देने के लिए, साथ लाने के लिए। इस समय भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो भी त्याग करना चाहे त्याग करना चाहिए, समाजवादी पार्टी कर रही है त्याग। और जहां तक चंद्रशेखर का सवाल है, मैंने सीटें दी थी, अगर वो भाई बन के भी मदद करना चाहते हैं तो करें। समाजवादी पार्टी ने, और केवल समाजवादी पार्टी का प्रयास नहीं था, केवल एक व्यक्ति या एक पार्टी की सवाल नहीं था। अगर पुराना इतिहास उठा करके आप देखेंगे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी से समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया दोनों मिलकर के साथ काम करना चाहते थे। क्या इतिहास नहीं ये जानता? इतिहास में वो बातें दर्ज हैं कि पत्र लिखे गए थे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया दोनों मिलकर के काम करना चाहते थे, उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए। और एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने प्रयास किया था, उससे पहले नेताजी ने कोशिश की थी। माननीय काशीराम जी को पहली बार सदन में अगर कहीं से भेजा गया था, वो हमारे गृह जनपद से भेजा गया था, इटावा से भेजा गया था। तो कोई किसी के कहने से आरोप न लगाए, इसीलिए मैंने कहा उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए बड़ी बड़ी साजिशें हैं, बड़े बड़े षड्यंत्र हो रहे हैं, होंगे। वो सवाल जो आया था वो भी षड्यंत्र का हिस्सा था, ये सवाल जो आया ये भी षड्यंत्र का हिस्सा है, बड़े संयंत्र होने जा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश है। इसलिए षड्यंत्र और साजिश से आप भी बचाइए उत्तर प्रदेश को।